रिनाला खुद सहाफ़ी के घर पुलिस की तोड़फोड़ पर सहाफ़ी तंजीमों का एहतजाज। डीपीओ उकाड़ा का नोटिस थानेदार मुअत्तल कर दिया। इंदराज मुकदमा के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम। तमाम सहाफ़ी तंजीमों का डीपीओ उकाड़ा और डीएसपी को खराज तहसीन। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं रिनाला से शाहजेब अब्बास। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रिनाला खुर्द के सहाफ़ी एहसान शरीफ के घर थाना सिटी रिनाला के ASI अब्दुल रऊफ सरकारी गाड़ी 4 कस कांस्टेबल्स के हमरा घर की चार दीवारी फलांग कर चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए थे, जिस पर औरतों बच्चों से बदतमीजी की गई, हरासा भी किया गया। इस वाक़े पर राणा मोहम्मद अजीम मरकजी कायद पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट शेख शाहबाज शाहीन सदर उकाड़ा प्रेस क्लब, अब्बास अली जट सदर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उकाड़ा, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी सदर शेरगढ़ प्रेस क्लब और दीगर प्रेस क्लब और सहाफ़ती तंजीमों ने एहतजाज का ऐलान किया था, जिस पर DPO उकाड़ा फैसल शहजाद ने हंगामी बिनादों पर नोटिस लिया और DSP माहर मोहम्मद यूसुफ को इंक्वायरी का हुक्म दिया, जिन्होंने वकुआ की तस्दीक करके रिपोर्ट पेश की। DPO ने हथियारात से तजावज़ करने पर अब्दुल रऊफ ASI को मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया। आला सतह इंक्वायरी कमेटी भी बना दी। दादरसी पर सहाफ़ती पैनल की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया। तो मैं बड़ा मशहूर हूँ राणा मोहम्मद अजीम साहब का, मैं बड़ा मशहूर हूँ शेख शहबाज शाहीन साहब का, मैं बड़ा मशहूर हूँ अब्बास अली जट साहब का, मैं बड़ा मशहूर हूँ फैसल शहजाद DPO साहब का, मैं बड़ा मशहूर हूँ मार मोहम्मद यूसुफ DSP साहब का, जिन्होंने मेरठ को मद्देनजर रखते हुए हमने 24 घंटे की गुजारिश की थी और उन्होंने महज चंद घंटों के अंदर दादरसी की है और मेरठ को यकीनी बनाया है। तो मैं इस पे उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह अजीज अपनी साथी बरादरी से ऐद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उनके मसाइल के हल और उनकी फलाह बहबूद के लिए किसी तरह शाना बिशाना और एक्टर होकर अपने फैज मंसूबी सर अंजाम दूंगा।